हेलो स्कॉलर्स कैसे हैं आप सब साइंस का चैप्टर एटीन वेस्ट वाटर स्टोरी इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई आज के वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स एक्सरसाइज इनको भी कंप्लीट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला कीवर्ड क्या है एरेशन व्हाट इज एरेशन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन एंड मिक्सिंग ऑफ एयर टू द लिक्विड इज कॉल्ड एरेशन अब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लिक्विड में एयर को मिक्स कर रहे हैं जैसे आपने एक वगैरह में देखा होगा एक पंप लगा रहता है वो क्या करता है उससे आपने देखा होगा कि एयर के बुलबुले निकलते रहते हैं ठीक है तो वो किस लिए लगा होता है वो जस्ट एक शो पीस नहीं है वो इसलिए लगा होता है कि वो लिक्विड के अंदर वाटर के अंदर एयर को मिक्स कर रहा है क्यों मिक्स कर रहा है उससे उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और जो फिश उसमें है उनको ऑक्सीजन उस वाटर के थ्रू वो गिल्स की हेल्प से उसको यूटिलाइज करती हैं तो हम क्या कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू एयर को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं उसको हम एरेशन कहते हैं में भी एयर मिक्स होती है उसको भी हम एरेशन बोलते हैं बट यहाँ हम वाटर से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम वाटर से रिलेटेड एरेशन की डिफिनेशन लिख रहे हैं नेक्स्ट एरोबिक बैक्टीरिया वॉट इज एरोबिक बैक्टीरिया द एरोबिक बैक्टीरिया दैट लिव एंड ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया द बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया जो कहा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है उसको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं इसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो कुछ बैक्टीरिया क्या ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं नहीं चाहिए यस एन बैक्टीरिया द बैक्टीरिया दैट लिव एंड ग्रो विदाउट ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनएरोबिक बैक्टीरिया ओके एरोबिक बैक्टीरिया वो हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए और एनएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए बिना ऑक्सीजन के ही वो ग्रो करते हैं नेक्स्ट बायोगैस व्हाट इज़ बायोगैस? ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई एनएरोबिक बैक्टीरिया बायोगैस इज प्रोड्यूस यहाँ कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं ऑर्गेनिक को जो स्लज है ऑर्गेनिक है, हैं, हैं और इसम्पोजेशन के प्रोसेस में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है दिस गैस कैन बी यूज एज अ फ्यूल और टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इस गैस को हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं नेक्स्ट कंटोमिनेंट मिक्सड पल्यूटिंग सब्सटेंसेस दैट क्रिएट इम्प्योरिटी आर कॉल्ड कंटोमिनेट्स कंटोमिनेट क्या है जो भी पल्यूटिंग हैं सपोज आपके वाटर थोड़ा पॉल्यूटेड है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस मिक्स हो गए हैं जिसकी वजह से वो वाटर पॉल्यूट हो गया है तो जो सब्सटेंस उसमें पॉल्यूट हो उसको पॉल्यूट कर रहे हैं उसको इम्प्योर बना रहे हैं दैट आर कॉल्ड कंटोमिनेट और ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कंटोमिनेटेड वाटर, ओके नेक्स्ट सैनिटेशन वॉट इज सैनिटेशन सैनिटेशन रिफर्स टू अ हेल्दी लाइफ सैनिटेशन क्या है साफ सफाई है अपने आस पड़ोस के एनवायरमेंट को साफ रखना है हाइजीनिक रखना है जिससे हम एक हेल्दी लाइफ जी सीवेज सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट रिलीज बाई होम्स इंडस्ट्रीज हॉस्पिटल्स ऑफिस एंड अदर यूजर्स, जितने भी चीजें हैं चाहे घर में इंडस्ट्री में हॉस्पिटल में ऑफिस में कहीं भी जो वाटर हम यूज कर रहे हैं यूज करने के बाद जो वाटर है वो क्या हो जा रहा है वो वेस्ट वाटर हो जा रहा है वॉट इज सीवर सीवर सीवेज ये सब इन सब के बीच में जो जो डिफ्रेंशिएट है उसको देखिए समझिए सीवर क्या है पाइप और ड्रेन विच कैरी देस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवर वहां क्या था सीवेज था सीवेज इज वेस्ट वाटर ओके नथिंग एल्स अब जो पाइप उनको कैरी करके लेके जा रहे हैं उनको हम सीवर बोलते हैं ओके okay, जो पाइपलाइन या ड्रेन्स आपके घर से निकल करके और नीचे आपके यहाँ रोड के नीचे अंडरग्राउंड में सीवर लाइन पड़ी होगी ठीक है उसके थ्रू वो ड्रेन्स जा रहे हैं वो वेस्ट वाटर जा रहा है दैट कॉल्ड सीवर नेक्स्ट सीवरेज अब सीवर और सीवरेज में क्या डिफरेंस है नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप और सीवर ऑफ सीवरज मीन्स आपके घर से जो पाइप निकल के आया नीचे एक सीवर लाइन में मिला अब वो सीवर लाइन आगे किसी और गली की सीवर लाइन में मिल रही होगी फिर वो किसी एक बड़े सीवर के पाइप में मिल रही होगी तो ऐसे नेटवर्क को जिसमें बड़े छोटे सब तरीके के सीवर पाइप मिल रहे हैं उस पूरे नेटवर्क को हम सीवरेज बोलते हैं ओके नेक्स्ट स्लज वॉट इज स्लज या और भी एनिमल्स का जो मलमूत्र है वो सब जाकर के क्या होता है नीचे सेटल हो जाता है ओके okay, जब सेटल होता है दैट इज कॉल्ड स्लज उसी को हम स्लज बोलते हैं कीचड़ बोलते हैं ओके वेस्ट वाटर वॉट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट water. Water जो भी वॉटर हमने यूज कर लिया यूज करने के बाद में जब वो वॉटर जा रहा है that is waste water. Waste water को फिर से रीयूज किया जा सकता है अगर हम उसका ट्रीटमेंट करें उसको ट्रीट करें उसमें से पल्यूटेंट्स निकाल दें चलिए वर्ड्स हो गए एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में फिलिंग द्लैंक्स हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्लीनिंग ऑफ वाटर में हम क्या कर रहे हैं जो भी वाटर में चीजें ऐसी ऐड हो गई थी उनको हम निकाल देंगे तो क्लीनिंग हो जाएगी क्या ऐड हो गए थे पल्यूटेंट्स ऐड हो गए बाय हाउस इज कॉल्ड जो घर से रे वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं ड्राइड स्लज जो है या इसको हम एक्टिवेटेड स्लच भी बोलेंगे ड्राइड एक्टिवेटेड स्लज इज यूज एज मेन आप इसको ड्राइड एक्टिवेटेड स्लच भी लिख सकते हैं यहाँ पे रेन्स गेट ब्लॉक बाय सॉलिड वेज एंड वेजिटेबल्स ऑयल देखिए वेजिटेबल ऑयल है या है ये ये सब क्या होते हैं हैं में ड्रेन की पाइप जाके ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट जो है आपके घर के किचन का जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है सपोज आपने फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के पील्स डाल दिए या कोई पॉलिथीन डाल दी या कॉटन डाल दिया ये भी सब जाके क्या करेंगे ड्रेन को ब्लॉक कर देंगे क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि हमको ये एक्सप्लेन करना है अगर इस सीवेज को अनट्रीट किया हुआ ऐसे ही अगर हम नदी में या समुद्र में छोड़ दें तो उसके क्या नुकसान है सबसे पहले सीवेज की डिफिनेशन लिख सकते हैं व्हाट इज सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट रिलीज बाई होम इंडस्ट्रीज हॉस्पिटल्स ऑफिस एंड And other उसमें क्या है harmful, harmful हो सकते हैं, बीमारी कैद पैदा करने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस है तब क्या होगा इवी डिस्चार्ज अनिनेट दटर बॉडी Polluted water is harmful to humans, aquatic animals and plants. Also, Simple है आपको कोई आंसर बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन अगर समझ में आ गया है तो आप सिंपली अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं अगर हम इसी वेज को बिना ट्रीट किए हुए नदी में या समुद्र में छोड़ देंगे क्या होगा वो उस वाटर बॉडी को कंटोमिनेट कर देगा मीन्स उसमें पल्यूटेंट मिक्स हो जाएंगे फिर ये पोल्यूटेड वाटर किसको नुकसान कर सकता है यही वाटर अगर ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं उस वाटर बॉडी के जो एक्टिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उन सबको वो हार्म करेगा ओके क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन एक्सप्लेन ऑयल ऑफ फैट को ड्रेन में डायरेक्ट नहीं डाल देना चाहिए क्यों वी शुड नॉट रिलीज आप डायरेक्ट ड्रेन में डाल देंगे वो क्या होगा वो या? वो अपने साथ में और भी चीजों को क्या करेगा अपने साथ में स्टिक कर लेगा और वो एक टाइम पे जाकर के हार्ड हो जाएगा और ड्रेन को ब्लॉक कर देगा इसके अलावा क्या है ओपन सीवर ओपन जो ड्रेन है आपके उनमें क्या होता है नीचे सीधे सॉइल के ऊपर वेस्ट वाटर बह रहा है अब ये ऑयल क्या करेगा जाके उस सॉइल के पोर्स को जो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू वाटर सीप होकर नीचे जाता है और फिल्टरिंग का प्रोसेस होता है उन होल्स को ब्लॉक कर देगा वाटर फिल्टर नहीं हो पाएगा ठीक है तो ये सब चीजें ऑयल और फैट को अगर डायरेक्ट ड्रेन में डालेंगे तो इस तरीके के नुकसान है इसलिए हमें नहीं डालना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर

तो क्या होगा कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसमें रुक जाएंगे नेक्स्ट एंड ग्रेट सेटल्ड एट दी बॉटम एज वाटर ग्रोज स्लोली टू सैंड एंड ग्रेट रिमूवल टैंक फिर क्या है पानी धीरे धीरे किधर जाता है सैंड एंड ग्रेट रिमूवल टैंक की तरफ और वो स्लोली जाता है तो क्या होता है उसके अंदर सैंड जो है वो धीरे धीरे बॉटम पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है फिर उसको अलग कर देते हैं देन वाटर वॉज अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक सॉलिड Like faces at the bottom and and floatable impurities like oil and grease were removed by फिर क्या होता है? एक बड़े से में पानी को सेटल होने के थ्रू निकाल देते हैं और जो ऑयल और ग्रीस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं उनको इसकी मर्स होते हैं इसकी मर्स के थ्रू उनको निकाल देते हैं वॉटर ऑप्टेन आफ्टर दीज स्टेप इज कॉल्ड क्लेरिफाइड वाटर इन स्टेप्स के बाद जो हमको वाटर मिलता है इसी को हम क्लेरिफाइड वाटर बोलते हैं देन नेक्स्ट ये क्लेरिफाइड वाटर हमारा फर्दर एरेटर में जाता है इसमें क्लोरीन वगैरह मिक्स करके और उसको क्लीन करते हैं वो आगे के फर्दर प्रोसेस हैं उसके और फर्दर प्यूरिफिकेशन के बट इतने स्टेप्स के बाद ही हमें क्लेरिफाइड वाटर मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज लेस एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड Sludge क्या है में पढ़ा था ट्रीट कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सोलिड इंप्योर मलमूत्र है वो सब जा करके क्या हो रहा है वेस्ट वाटर में स्लज की फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जा रहा है बॉटम पे दैट इज कॉल्ड स्लज कैन डीकम्पोज बाई एन बैक्टीरिया स्लज को एनरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज किया जा सकता है जब ये करेंगे तब हम क्या होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड कैन बी एज फ्यूल और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी अब देखिए वहां में हमने बायोगैस भी पढ़ा था स्लज भी पढ़ा था एनारोबिक बैक्टीरिया भी पढ़ा था अगर वो चीजें आपको याद हो गई तो वही सारी मिलाकर यहाँ आंसर बन गया स्लज को एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू डीकम्पोज किया इस प्रोसेस में बायोगैस बनी ये बायोगैस फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी काम आ सकती है और क्या कर सकते हैं स्लज का स्लज इज ऑल्सो कंज्यूम्ड बाई बैक्टीरिया रहे थे, और वो sludge को consume कर रहे थे ठीक है फिर क्या है एक्टिवेटेड स्लज बन रहा था एक्टिवेटेड स्लच को अगर हम ट्राई करेंगे सुखा देंगे, तो दिस कैन बी यूज एजे क्वेश्चन नंबर सिक्स untreated human excreta is a health hazard explain human excreta जो है वो अगर untreated है उसको treat नहीं करेंगे तो ये health hazard है untreated human excreta is a health hazard it may cause water pollution and soil pollution अगर open defecate है open में जा रहे हैं लोग excreta करने के लिए अपने शौच के लिए तो क्या हो रहा है कि ये water को भी प्रलुट कर, कर रहे हैं soil को भी प्रलुट कर रहे हैं

तो ह्यूमन जो है वो एक हेल्थ हजार्ड है अगर उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है इसीलिए आजकल ओपन डेफिकेट बैन है कहीं भी आप ओपन डेफिकेट नहीं कर सकते खुले में लोग नहीं जा सकते हैं शौच करने तो इसीलिए टॉयलेट्स बनाए गए हैं गांव गांव में नेम टू केमिकल्स यूज टू डिस इन्फेक्ट वॉटर टू केमिकल्स टू डिस इन्फेक्ट दॉटर आर क्लोरीन एंड ओजोन अब कौन कौन से केमिकल है ये डायरेक्ट वेस्ट वाटर को डिस नहीं कर देंगे वेस्ट वाटर को पूरा ट्रीट करने के बाद में उसको डिस करने के लिए क्लोरीन और ओजोन का यूज किया जाता है ओके ऐसा नहीं है कि आपके घर का वेस्ट वाटर है सीधे क्लोरीन डाला ओजोन डाला डिस इनफेक्ट हो गया पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद जो हमको वाटर मिल रहा है उसको हम क्लोरीन और ओजोन से डिस करते हैं क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट छड़े हैं सपोज इस तरीके की आयरन की छड़े हैं पास पास में रखी हुई है ठीक है और इसके ऊपर से जब वॉटर फ्लो करता है तब तो क्या होता है बड़े ऑब्जेक्ट जो है सब यहां पर फस जाते हैं ओके तो वेन द वॉटर

Poor sanitation sanitation is is the cause of of a large number of diseases. Proper must for healthy and disease free life. जैसे, लाइट और डार्क का जो relationship है, जहां पर लाइट होगी वहां डार्कनेस खत्म हो जाएगी ओके उसी तरीके का सैनिटेशन और डिजीज का है जहाँ साफ सफाई होगी वहां बीमारियां नहीं होंगी पुअर सैनिटेशन है साफ सफाई सही से नहीं है दो क्या होगा ये नंबर ऑफ डिस का कॉज है उसका बहुत सारे जो है डिसीजेस हो सकती हैं प्रॉपर सैनिटेशन रखेंगे तो हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ लाइफे क्वेश्चन नंबर टीन टेन आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटाइजेशन ओके सैनिटेशन के लिए आप एक एक्टिव सिटीजन अगर बनना चाहते हैं तो आपके क्या क्या, क्या रोल होने चाहिए our roles as an active citizen in relation to sanitation first we can limit the type of waste and quantity of waste produced by us sabse pehle to hum apne upar hi work out kare kya ki jo hum waste create kar rahe hain उसकी quantity को reduce करें उसके type को reduce करें किस किस type के waste किस कितनी कितना waste produce कर रहे हैं उसको हम देखें और उसको कम करने की कोशिश करें

क्यों क्योंकि अगर लोगों को आप एजुकेट करेंगे उनको बताएंगे कि पुअर सैनिटेशन से क्या क्या हेल्थ हजार हो सकते हैं तो वो भी सैनिटेशन की ओर जो है कंसर्न अपना दिखाएंगे और हमेशा साफ सफाई रखेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन रेयर हियर इज अ क्रॉस वर्ड पजल क्लास क्रॉस वर्ड पजल है एक एक करके देखते हैं सबसे पहले कौन से देखेंगे सबसे पहले डाउन वाले देखते हैं पहला क्या है यूज्ड वाटर यूज्ड वाटर क्या है यूज्ड वाटर क्या होता है दैट इज अ वेस्ट वाटर जो वाटर यूज कर लिया गया सीवेज को जो पाइप कैरी करते हैं कॉलरा किन किन माइक्रो ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है दैट और बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है उनकी वजह से कॉलरा होता है नेक्स्ट अ केमिकल टू डिस इनफेक्ट वाटर केमिकल को एक केमिकल है जो वाटर को डिस करने के लिए यूज होता है दैट इज ओजोन ओके अब हम देखते हैं क्रॉस में सबसे पहले थर्ड है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट क्या है दैट इज सीवेज जो हमारे घर से निकल रहा है यहाँ से स्टार्टिंग भी होनी थी इसको और ई e पे एंड भी होना था नेक्स्ट क्या है सॉलिड वेस्ट एक्सट्रेक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट में जो सॉलिड वेस्ट निकलता है फोर नंबर इसका एंड ई -e से हो रहा है क्या होगा दैट इज स्लज ओके सॉलिड वेस्ट क्या है स्लज निकल रहा है ट्रीटमेंट के दौरान अ वर्ड वर्ड रिलेटेड रिलेटेड टू हाइजीन हाइजीन से जो आप देखिए इसमें ओ भी आ रहा है टी भी आ रहा है टी भी आ रहा है दैट इज सैनिटेशन ओके नेक्स्ट वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाई फ्रॉम ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है दैट इज एक्सक्रेटा ओके

वाटर को डिसइनफेक्ट करने के लिए यूज होता है यस यस क्लोरीन और ओजोन यूज होता है इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज आपने पढ़ा भी होगा कि ओजोन क्या है जो सन के थ्रू रेज आती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उसको ओजोन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट थ्री परसेंट अब अगर ये याद नहीं है आपको तो इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए आपको पता था एयर के कम्पोजिशन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है उसके बाद जितनी भी गैसेस हैं वो केवल वन परसेंट ही हैं नाइनटी नाइन परसेंट किससे है नाइट्रोजन किस और ऑक्सीजन से तो जब वन परसेंट में सारी गैसेस हैं तो ओजोन अकेले थ्री परसेंट नहीं हो सकता मीन ये डी भी नहीं है तो कौन सा स्टेटमेंट अब क्या कर बताना है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है बी एंड सी बी क्या है ये डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है और अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्व करता है ओके तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारे साइंस के इस चैप्टर की एक्सरसाइज कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो गए हैं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्योंकि ये क्या था ये हमारे इस साइंस का लास्ट चैप्टर था तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज फॉर योर एग्जाम्स टिल देन बाय